शरद पूर्णिमा के मौके पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जयपुर के करनी विहार इलाके में खीर वितरण का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना सामने आई। इस मामले को कवर करते हुए सुदर्शन न्यूज ने समुदाय विशेष के लोगों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। जयपुर के रजनी विहार इलाके में गुरुवार देर रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम के दौरान चाकू और डंडों से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये हमला शरद पूर्णिमा के अवसर पर खीर वितरण के दौरान हुआ, जब कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने संघ कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इस हमले में 8 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। घायलों को सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, विधायक गोपाल शर्मा सहित अन्य लोगों ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की है और कहा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था कायम रहेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सुदर्शन न्यूज से जुड़े सागर कुमार ने भी ये तस्वीरें ट्वीट करते हुए ऐसा ही दावा किया। देखते ही देखते कई राइट विंग अकाउंट्स ने भी इस क्लेम को आगे बढ़ाया। हालांकि इस मामले में छानबीन करने पर मालूम हुआ कि आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले करने के आरोप में नसीब चौधरी, उसकी पत्नी निर्मला और बेटे भीष्म समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने इस घटना को लेकर डीडी न्यूज राजस्थान को ये बयान दिया था। देखिए, घटना ये है कि एक मंदिर परिसर है, उस परिसर में कोई प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा था, जागरण और प्रसादी का कार्यक्रम। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो भजन और प्रसाद बनाने का कार्यक्रम कर रहे थे। उसी बीच में पड़ोस में नसीब चौधरी नाम का व्यक्ति है, वो और उसका बेटा दोनों वहाँ पर आए और उन्होंने चाकू और लाठी से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया और इन दोनों को ढूंढ करके उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें यदि और भी कोई लोग वहां पर आए हैं, क्योंकि वहां कैमरा लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है वो खंगाली जा रही है, जो भी अन्य कोई इसमें अगर शामिल है तो उनके विरुद्ध भी उनको ढूंढकर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, कोई दो समुदायों की बात नहीं है, दोनों ही पक्ष एक ही समुदाय के हैं। और इसमें इतना ही है कि कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे थे और दूसरे पक्ष ने एक तरफा अटैक किया है। मे बी कोई कन्फ्लिक्ट हो या हो सकता है उसे इस बात का एतराज़ हो कि आवाज़ें क्यों आ रही हैं। जो भी बात है वो तो सामने आ जाएगी, लेकिन कोई भी सामुदायिक विवाद नहीं है और दोनों ही एक समुदाय को बिलोंग करते हैं और मोटा मोटा एक तरफा अटैक है जो कि दूसरे पक्ष के द्वारा किया गया है। यानी राजस्थान के जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना को फर्जी रूप से सांप्रदायिक रंग दिया गया। सुदर्शन न्यूज इस तरीके से गलत कम्युनल एंगल देकर घटनाओं का सांप्रदायिकरण करता रहता है। इससे पहले भी सुदर्शन न्यूज ने ऐसे कम्युनल दावे चलाए हैं।